फैक्ट्री से लगातार कोरोना के मरीज निकलते जा रहे, बावजूद इसके प्रशासन फैक्ट्री पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में क्या प्रशासन किसी बड़े कोरोना विस्फोट का इंतजार कर रहा है क्या? इस तस्वीर को देखिए, ये डरावनी तस्वीर मुंडवा कस्बे की है, जहां अंबुजा सीमेंट में काम करने वाले मजदूर झुंड बनाकर बाजारों में बेखौफ घूम रहे हैं। ये तस्वीर भयानक इसलिए है कि अंबुजा सीमेंट कंपनी में लगातार कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, न ही कंपनी के अंदर आने जाने में किसी तरह की कोई रोक टोक है। मजदूरों में फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते लोग घरों में कैद हो गए। जब मैं सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव मिला था, उस टाइम भी मुंडवा में कोरोना का विस्फोट हुआ था, अभी भी उसी लाइन पे चल रही है। अंबुजा में भारी मात्रा में सर्दी जुकाम के रोगी है, उसको बाहर भी घूम रहे हैं, दीवार फांद के आ रहे हैं, मेन गेट से आ रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अंबुजा सीमेंट कंपनी के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में 60 से ज्यादा मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं रविवार को एक कोरोना संक्रमित मजदूर की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी वजह से कंपनी के मजदूरों में काफी भय का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह का कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं कर रहा। कंपनी में काम करने वाले मजदूर नागौर और मुंडवा शहर के रहने वाले, जिनकी वजह से कस्बे के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। टोटल 25 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से 17 अंबुजा सीमेंट लिमिटेड में काम करने वाले मजदूर हैं। उन सभी को हमने क्वारंटाइन कर दिया गया है तथा उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है तथा वहां पर वर्तमान में 4 से लेकर 5 हजार मजदूर निवास कर रहे हैं। तो उनकी स्क्रीनिंग के लिए कल हमने 2 अलग से टीमें लगाई, जो उन सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग हेल्थ स्क्रीनिंग करेगी। उनमें जो भी सिम्टम्स पाए जाएंगे उनका हमारे द्वारा अलग से उनकी लिस्ट बनाकर उनके सैंपल लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस शहर का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अंबुजा जैसी काल रूपी कंपनी मुंडों को ग्रास करने के लिए तुली हुई है। यहाँ सैकड़ों आदमी से भी ज्यादा ही मेरे अंदाजों से अंबुजा में कोरोना पॉजिटिव, आज ही अगर एक दिन में करें तो कम से कम 500 या 1000 आदमी भी निकल सकते हैं कोरोना पॉजिटिव। लगातार मुंडा में जो कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, अंबुजा प्लांट के अंदर इसको दिन प्रतिदिन हो रहा है, उसके बारे में मैंने प्रशासन को अवगत भी करा दिया है। उनका जैसे कहा गया, जैसे जो लॉकडाउन की एक सीमा है, शाम को आज के बाद में संपूर्ण लॉकडाउन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोविड की जो गाइडलाइंस को देखते हुए उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए, गांव के रहवासियों की पालना कर रहे हैं। मुंडवा की नव निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट कंपनी में करीब 5000 मजदूर काम करते हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात समेत कई राज्यों से आए हैं। कई मजदूर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आ जा रहे हैं, लेकिन मजदूर की किसी तरह की कोई जांच नहीं हो रही और मजदूर काम करने के बाद बाजारों में बिना मास्क के घूमते हैं। ऐसे में कोरोना विस्फोट का लगातार खतरा मंडरा रहा है। हिदायत के तौर पर उनको निर्देशित किया गया है कि आगे अधिक और संक्रमण नगर पालिका क्षेत्र में नहीं फैले, इसलिए अधिक से अधिक मजदूरों को कैंपस में रखें और अधिक से अधिक सैंपलिंग करवाएं, इस बारे में उनको निर्देशित कर दिया गया। जीरो मोबिलिटी घोषित होने के बाद भी यहाँ से बाहर से आए हुए सारे प्रवासी मजदूर है, जो खुलेआम घूम रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ SDM द्वारा 9 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फिर भी प्रशासन जो है व्यापारियों को पाबंद करके रखी है, ना कि इन मजदूरों पे कोई लगाम कस रहे हैं। प्रशासन लगातार कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने की बात कर रहा है और कस्बे में इसकी पालना भी करवा रहा है, लेकिन अंबुजा सीमेंट जैसी बड़ी कंपनी के लिए क्या कोरोना गाइडलाइंस नहीं है? आखिर जिला प्रशासन और अधिकारी इस कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ऐसे में सवाल है कि क्या प्रशासन नागौर और मुंडवा में कोरोना के बड़े विस्फोट का इंतजार कर रहा है? नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में नवनिर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट कंपनी में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं कंपनी के अंदर आपको बता दें कि 5000 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं और कोरोना के आंकड़े बढ़ने के कारण कस्बे वासियों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं शाम होते ही मजदूर कंपनी से बाहर आकर कस्बे में इधर उधर घूमते नजर हुए आते हैं, तो वहीं कई जगह खरीदारी करते हुए बिना मास्क के मजदूर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कस्बे में भय का माहौल बना हुआ है। जी मीडिया के लिए नागौर से दामोदर इनानिया। तो विशेष में फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
जिले से लेकर पंचायत तक, खलिहान से लेकर घर बार तक, हर खबर तक होंगे हमारे कदम, क्योंकि बड़े दमखम